आज हम 22nd इंटरपोर्ट MPSCB एंड स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ पारादीप के तत्वाधान में एक इंटर कल्चर मीट का आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 200 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया है और 9 मेजर पोर्ट्स की टीम इसमें आई है। हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हम इस साल में काफ़ी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कोरोना के बाद ये फर्स्ट कल्चर इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज हो रही है। इसमें सभी कलाकारों का समागम है। इसमें 10 वर्ष से लेके और 59 ईयर्स के एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज चिल्ड्रन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें आशा है कि इसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम सभी को, पारादीप की जनता को, जगन्नाथ भगवान की धरती पे देखने को मिलेगा। इसमें लगभग 4 इवेंट हैं जिसमें नाटक है, सोलो सिंग गाना है, डांस है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है और एक गाना और है। ये सब चीज़ें हम DKS के तत्वाधान में, DKSC की टीम इसमें लगी हुई है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और इसमें सभी डिपार्टमेंटल हेड्स का बहुत योगदान है। और सबसे बड़ी बात है हमारे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जिनकी बेसिंग से ही हम ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका हमेशा हमारे को सपोर्ट रहता है कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। अभी हमने इस साल भी पहले 2 स्पोर्ट्स इवेंट ख़त्म किए हैं जिसमें पहला वॉलीबॉल और बीच वॉली है, उसके बाद क्रिकेट किया, इसके बाद हमने अभी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया, इसके बीच में भी हम इंटर डिपार्टमेंट इंटर कॉरपोरेट डे नाइट मैचेस हम करते रहते हैं। पिछली बार हमने किए हैं। अभी नेक्स्ट इवेंट हमारी आ रही है जो इंटरपोर्ट फुटबॉल है जो कि हम 11th दिसंबर से करीब 5-6 दिन चलेगा, तो वह भी एक हमारे खिलाड़ियों का मेला लगेगा जो कि पारादीप की धरती और पारादीप के निवासी इसको एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम पोर्ट का जो रेजिंग डे है 3rd January, उसमें एक बड़ी मैराथन का आयोजन करने जा रहे हैं। वो ये माना जाता है कि इंडिया की नंबर 2 मैराथन है, इसको भी आपकी GKS और हमारा जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसके तत्वाधान में अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन हम कर रहे हैं। इसमें हमने मीडिया मित्रों का बहुत सहयोग देता मानता हूँ जिन्होंने हमेशा हमें समय समय पर योगदान दिया और सहयोग दिया जिससे कि हम इस कार्यक्रम को सफल बनाए। पहली बार यूट्यूब में हाँ ये हमें हर्ष का विजय है कि इस बार जो है ना कोई भी आदमी घर पे बैठा भी प्रोग्राम लाइव देख सकता है। ये हमने आज सुबह ही डिसाइड किया था, तो सभी की इच्छा थी हमारे पार्टिसिपेंट्स की, तो हमने कहा ऐसा मौका हम जाने नहीं दें यहाँ से। नमस्कार, मैं प्रशांत भगत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से है, नवी मुंबई से, और हमने जो आज ड्रामा किया उसका नाम है जिहाद। उसके लेखक है नीलेश गोप नारायण, उसका निर्देशन मैंने खुद किया था और एक अलग सब्जेक्ट लेके हम आए थे क्योंकि हम जो भी ड्रामा करते हैं उसका एक अलग सब्जेक्ट होता है। इस ड्रामा का सब्जेक्ट था कि अपने देश में जो राजनीति चालू है, गंदी राजनीति मैं कह सकता हूँ उसको, धर्म के नाम पर जो चल रही है, कि मुसलमानों के खिलाफ हम कभी देखते ही नहीं कि वो अपने ही भाई है। जबकि कुछ होता है, दंगा होता है, हम सोचते हैं कि मेरे पड़ोस में भी जो रहता है उसको भी हम कुछ ना कुछ कोसते रहते हैं जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती। ये आतंकवादी एक अलग ही कौम है लेकिन सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते। जैसे अपने राष्ट्रपति मिसाइल मैन जो अपने हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी अपने राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसके बावजूद भी अपने देश में मुसलमानों के प्रति जो एक गंदी प्रतिक्रिया दी जाती है उसके थोड़ा सा हमने एक कोशिश करी है इसके बारे में और ये हमने दिखा है कि ये आतंकवादी क्यों बनते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। एक अच्छे खासे फैमिली से लोग होते हैं लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां होती है जिसके कारण वो आतंकवादी बनते हैं, लेकिन उनके लिए हम अलग अलग गाली देके या कुछ करके सुधरने वाले नहीं है, बल्कि उनके हम विचार अगर बदलेंगे, उनकी सोच बदलेंगे, सोच बदलेगा तो डेफिनेटली देश बदलेगा। और हमने ये दिखाने की कोशिश की उन्हीं आतंकियों के द्वारा कि 2 आतंकवादी है और एक उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये भारत देश अपना है, जितना उनका है उतना अपना भी है, तो क्यों हम ये सब चीजें करते हैं। जब भी हम कोई बॉम्ब स्फोट करते हैं तो उसमें दूसरे लोग तो मारे जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, साथ साथ अपनी कौम के भी लोग मारे जाते हैं, उसके ऊपर कौन विचार करेगा। तो ये थोड़ा सा एक संदेश है इन लोगों के लिए और हमारे लोगों के लिए भी कि हमें भी थोड़ी सहानुभूति बरतनी चाहिए, ये हमने संदेश देने की कोशिश की है। पारादीप का ये मेरा तीसरा ट्रिप है और अभी जो हम आए हैं इस बार इन्होंने जो हॉस्पिटलिटी की है पारादीप पोर्ट में, इसके लिए जितना कहे उतना कम है, क्योंकि सबसे पहले रहने की चीज जिस होटल में हमको ठहराया गया है बेहतरीन, फिर हमने जो हॉल देखा बहुत ही खुशी हुई कि ऐसा हॉल हम मुंबई में कभी कभी देखते हैं, सभी हॉल मुंबई में ऐसे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो देखा हमने हॉल का जो अरेंजमेंट, उनका जो लाइट्स, म्यूजिक, सभी सिस्टम, इवन जो इनके जो वॉलंटियर्स थे उनका जितना कोऑपरेशन, जो जो चीज चाहिए थे फटाफट हमको मिल जाती थी, और जो ऑडियंस था मार्वलस, जो रिस्पॉन्स दिया ऑडियंस ने, क्योंकि थोड़ी समझदार
बहुत ही समझदार मैं कह सकता हूँ सभी ऑडियंस थी और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आई एम पूजा मात्रे और मैं जेएनपी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ नवी मुंबई से और हमने बहुत इंजॉय किया आज ये डांस करते हुए क्योंकि ये हमारा मेजर पोर्ट्स के जो हर साल होते हैं हमारे प्रोग्राम्स उसमें हम पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ वहाँ से आते हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी इंजॉयबल मोमेंट एंड आई होप दैट यू ऑल ऑल्सो इंजॉय टूडेज परफॉर्मेंस वॉट वी डिड टूडे वॉज हम लोग ने जो कोली डांस किया है आपको अच्छा ही लगा होगा और बाकी के पोर्ट्स को भी मैं बेस्ट ऑफ लक देती हूँ कि उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। अच्छा है पैरादीप पोर्ट ने हमें बहुत अच्छी तरह से हमें हमारी हॉस्पिटैलिटी दी है उनकी और हमारा शायद बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं एंड आई थिंक दे हैव डन क्वाइट वेल फॉर दिस प्रोग्राम आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। हम लोग तो अभी कल ही आए हैं एंड टुडे वाज अ फर्स्ट परफॉर्मेंस फर्स्ट डे तो और आगे हम चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा घूमें और एंड वी रियली वॉन्ट टू एंजॉय आवर स्टे हियर।